Hello friends, this is Arvind Mehto. Dosto, in this video we will discuss about the BA Political Science question paper as well. Chaliye dosto, video ko aage badhate hain. This is about me and this is about my channel. Aapko in sabhi topics pe mere YouTube channel pe videos provide ho jayegi. Dosto, jo ye question paper hai 2014 se 15 ka hai aur jo maximum time hota hai iska 3 hours hota hai aur मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होता है और लोक प्रशासन का ये क्वेश्चन पेपर है. दोस्तों, किसी एक लैंग्वेज में हमें अटेंड करना होता है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, दोनों में से एक लैंग्वेज में हमें अटेंड करना होता है और टोटल 5 क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करने होते हैं या उनका आंसर देना होता है. टोटल 10 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं. ये क्वेश्चन है 2015 का. फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन क्या है, वर्तमान समय में इसकी महत्व की विवेचना कीजिए. तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करना है और वर्तमान समय में इसकी क्या रिलेवेंट है या इसका क्या इम्पोर्टेंस है उसको हमें एक्सप्लेन करना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एवलुएट मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. दोस्तों, इसमें मैक्स वेबर के जो नौकरशाही का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना हमें इसमें करनी है या आलोचनात्मक विश्लेषण करना है. एग्जामिन हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इसमें हमें जो हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत के डिसीजन मेकिंग सिद्धांत उसे हमें एक्सप्लेन करना है. और विकास प्रशासन के मूल तत्व क्या है, विकासशील देशों के इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए. लोक नीति से क्या तात्पर्य है, वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए, जो भी इसकी रिलेवेंस है या रिलेवेंट है किस प्रकार से. और बजट सामाजिक व आर्थिक विकास के प्रभावी तंत्र है, विस्तार से समझाइए. सुशासन क्या है, सुशासन की प्रमुख विशेषता. और विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण के विभिन्न प्रकार. जन शिकायत से क्या अभिप्राय है, जन शिकायतों के निवारण के प्रमुख यंत्रों की विवेचना कीजिए. फिर दोस्तों, ये शॉर्ट नोट्स है. दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यह है कि आप पिछले पेपर्स को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के एनालाइज कर सकें कि किस टाइप से क्वेश्चन पेपर आते हैं. दोस्तों, इसमें कुछ मेन टॉपिक्स है जिसे आप कर लें तो पेपर को अटेंड कर सकते हैं बेटर तरीके से. जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है उसको क्लियर करें, फिर सेकंड मैक्स वेबर, और फिर पब्लिक पॉलिसी, बजट, सुशासन, विकेंद्रीकरण, ये 5-6 टॉपिक्स को भी अगर आप क्लियर कर लेते तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अटेंड कर सकते हैं बेटर वे में. चलिए दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अगर दोस्तों आपको आने वाले टाइम में अगर कुछ टॉपिक्स में अगर हेल्प चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर दोस्तों आपको PDF चाहिएगा तो आप हमारे चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ले सकते हैं. टेलीग्राम चैनल नेम है जो विथ AN Academy. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.